दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फटाफट जीके की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फटाफट जीके की वीडियो ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर रात में 9 बजे रेगुलर आती है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देख लिया करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल रूस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ये भी पॉइंट अच्छा है, नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जब्त कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो राइट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? देखिए, सवाना घास के मैदान दोस्तों ये पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। पांचवे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर आपको मास्टर पीडीएफ लेनी है दोस्तों, तो मास्टर पीडीएफ पर अभी ज़बरदस्त ऑफर है। 6000 क्वेश्चन आंसर्स की बजाय आपको इसमें 8000 क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, यानी कि 2 PDF फ्री मिल रही है। साथ ही साथ ये जो हमारी पहले PDF मिलती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सब कुछ मिलेगा। और 500 रुपये में नहीं, मात्र 170 रुपये में PDF आपको कैसे मिलेगी? बहुत ही सिंपल है, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे कि सर मास्टर PDF लेनी है, हम आपको वहीं पर सारी चीज़ें बता देंगे। चलिए, और ये व्हाट्सएप नंबर हर एक स्लाइड पर लिखा हुआ मिलेगा भाई। छठा क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर रहेगा सिनकोना पौधे से, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा विटामिन B3 की कमी से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, सालारगंज म्यूज़ियम किस शहर में स्थित है? देखिए, सालारगंज म्यूज़ियम दोस्तों किस शहर में स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा हैदराबाद, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, वे किस नृत्य के शिक्षक थे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मणिपुरी के, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि व्यवस्था का उदाहरण है? और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में शेयर कर देना भाई। और फटाफट जीके की सारी वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करना ओनली टॉप स्टडी फटाफट जीके प्लेलिस्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। राइट आंसर रहेगा रोपण कृषि, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 11वां क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे?
भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में दोस्तों पहला संशोधन कब किया गया था, राइट आंसर क्या रहेगा, 1951 में दोस्तों। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दोस्तों 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, दीन ए इलाही धर्म चलाया था दोस्तों अकबर ने, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? भारत ने अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप दोस्तों किस वर्ष जीता था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1983 में, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हीलियम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों, 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? तो हीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा कुत्ता, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? इक्कीसवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पीटी उषा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 22वां क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 23वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो व्यावसायिक संरचना दोस्तों राइट आंसर रहेगा, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? देखिए अशोक चक्र में दोस्तों कितनी तिल्लियां होती हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 24 तिल्लियां होती हैं, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा ये आपको याद रखना है रानी रुद्र मां देवी भारत के किस राजस्व से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा काकतीय, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। आप लोग ये बताएंगे 25 में से कितने सही किए हैं सबसे पहले, तो क्योंकि स्कोर
आपको हर एक वीडियो में बताना होता है, और तभी दोस्तों मज़ा है आपको पता चले कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। हवाई जहाज़ के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग करना, उसके बाद में आपको यहाँ से डेली करंट अफेयर की PDF और YouTube की कई फ्री PDF मिल जाएगी। मास्टर PDF लेनी है तो अभी लेने का फ़ायदा है, 6000 की बजाय इसमें 8000 क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, बाकी के सारे सब्जेक्ट जैसे मिलते थे वैसे ही मिल रहे हैं, 500 रुपये की बजाय मात्र 170 रुपये का पेमेंट करना है, लाइफ टाइम वन टाइम पेमेंट होगा दोस्तों, पूरी ज़िंदगी आपके पास PDF रहेगी, आप चाहे कितनी बार भी पढ़ें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिएगा कि सर हमें मास्टर PDF लेनी है, हम आपको एक बार कोड भेज देंगे, उस पर पेमेंट करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।